हाय हाय गाइस। सो आप लोग कैसे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में? मेरे को पता है आप लोग अच्छा कर रहे हैं। और आज मैं एक फोन का रिव्यू करने जा रहा हूँ, उसका नाम है, बोलो, मोटरोला वन फ्यूजन प्लस। और मैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग ये सब नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं एक एंड यूजर हूँ और एज ए एंड यूजर मैं रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं अनबॉक्सिंग के तरफ। तो दोस्तों, आपको जैसा आप देख रहे हैं, मोटरोला वन फ्यूजन, ठीक है, का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और ये देखिए, ये मैंने फोन अपने जेब से निकाला और आप देख सकते हैं, ये देखिए फोन है मोटोरोला वन फ्यूजन। और ये आप देख सकते हैं, पूरा अभी नया बिल्कुल फोन है, मतलब एक सप्ताह से यूज करना शुरू किया हूँ। और ये देखिए क्या गजब का फोन मोटोरोला ने बनाया है, क्या गजब का फोन बनाया है सही में। मतलब लोग बोलते थे कि मोटोरोला को कि बहुत ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन ये बनाती है, लेकिन ये जून जून जो महीना है 2020 2020, जिसमें सारे कंपनी के ऊपर जो भी चाइनीज, अब देख भी करते हैं कि चाइना को बैन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए चाइना प्रोडक्ट को, और इसी बीच मोटोरोला ने क्या लाजवाब, क्या धांसू स्मार्टफोन बनाया है सही में। सो अब मैं बता रहा हूँ आपको, इसका फीचर बता रहा हूँ। सो दोस्तों, मैं पूरा इसका यूज करके और एज ए यूजेबिलिटी टेस्टिंग होता है ना, लुक एंड फील एंड एज ए यूजर एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पहले मैं अपना फोन, बहुत ही बेहतरीन फोन है, कहीं स्क्रैच ना आ जाए तो मैं अपने जेब में डाल लेता हूँ। वेट देखिए इसका, इसका नाम है मोटरोला वन फ्यूजन प्लस। और इसी के साथ मोटरोला ने इस मार्केट में कमबैक कर लिया है, एमआई, रेडमी, जोमी, ठीक है। और अब देखिए, मोटो इज बैक, जैसे मैं लिख चुका हूं, और वो इसके कारण, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के कारण। भैया पहला दिन मोटोरोला ने फोन लॉन्च किया फ्लिपकार्ट पे 24th of June को, उसके बाद से मतलब फोन फोन मतलब ये होता है ना कि मतलब इतने ही मतलब डिवाइस इतने बिक चुके हैं कि क्योंकि बिक चुके हैं और फ्लिपकार्ट पे ये अनअवेलेबल आने लगा, ठीक है। मतलब इतना लोग इस फोन का इंतजार कर रहे थे या जो भी हो, बट मैं अपना एज ए एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू आई एम गोइंग टू शेयर यू द डिटेल्स। सो देखिए, इसका वेट की बात करें तो 200 ग्राम है, एंड 211 और 212 के आसपास मैंने इसका वो किया तो है, बट 200 ग्राम। और आप देख लीजिए इसका, इसका जो हम बात करें तो इसमें ना नीचे में स्पीकर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे सी टाइप चार्जर, और उसके बाद यहाँ पे हेडफोन के लिए, ठीक है, जैक दिया हुआ है। तो और इसके बाद इसका USB 3.5 का वो पोर्ट दिया हुआ है। और उसके बाद आप देखिए कि इसका पॉपअप कैमरा कटआउट, वो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे दिया हुआ है। सो ये देखिए, ये पावर बटन है, और ये देखिए फिंगरप्रिंट इसका इतना बेहतरीन है, देखिए। अच्छा, मैंने लॉक ही नहीं लगाया, ठीक है, मैंने लॉक ही नहीं लगाया इस फोन में, तो फिंगरप्रिंट नहीं काम करेगा, तो एक बार देखिए इसे। और इसका कैमरा कटआउट की मैं बात कर रहा हूँ तो ये देखिए, ठीक। अब इसका हम सेल्फी कैमरा हम यहाँ पे ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पे पॉपअप सा आ गया और मैं फोटो लेने जा रहा हूं, ठीक। और क्या मस्त साउंड आता है, हाइड्रोलिक टाइप का साउंड आता है। और ये देखिए पॉपअप बंद हो गया, क्या मस्त इसका ये है। मैं बताऊंगा इसके बारे में स्पेसिफिकेशन, पहले बताता हूँ पॉपअप कैमरा कटआउट जो इसके ऊपर दिया हुआ है, फिर सिम कार्ड ट्रे, और इसी के बगल में साइड में एक सिम कार्ड ट्रे दिया हुआ है जो मतलब हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे है। और उसके बाद गूगल असिस्टेंस बटन, और ये देख लीजिए कि वॉल्यूम वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ पे पावर बटन हो गया, उसके बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन, और उसके बाद गूगल असिस्टेंस के लिए अलग बटन दिया हुआ है।
और ये मैं बता दिया कि यहाँ पे एक पावर बटन दिया हुआ है। फिर देखिए सिम का ट्रे और हाइब्रिड स्लॉट है, मैं पहले बता दिया। अब मैं फोन को स्टार्ट करने की बात करता हूँ, तो देखिए फोन स्टार्ट है, फोन स्टार्ट मोड में है। उसके बाद आप देखिए इसका स्क्रीन की बात अगर कर ले तो इसमें डिस्प्ले है 6.5 इंच का है, FHD+ डिस्प्ले, Full HD+। अगर कोई वीडियो फुल HD है कि उससे ऊपर का आप वीडियो आप चला सकते हैं इस फोन में। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो इसमें देखिए क्वालकम का इसमें जो प्रोसेसर की बात करते हैं, क्वालकम स्नैपड्रैगन प्लस 730G प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, और बहुत ही उम्दा किस्म का ये प्रोसेसर होता है। और जहां तक लोग को ये होता है कि रैम और ये सब क्या होगा, तो मैं बता दूं 6 GB का इसमें रैम है, और वो भी रैम LPDDR4X रैम, मतलब एक स्मार्टफोन के लिए, एंड्रॉयड फोन के लिए बहुत ही बेहतरीन रैम माना जाता है। आप गूगल के करके देख सकते हैं। स्टोरेज आप देख लीजिए, 128 GB स्टोरेज है भैया इस फोन की, और यहाँ के UFS 2.21, और इसका स्टोरेज कोई ऐसा मामूली नहीं है 128 GB का, UFS का स्टोरेज है। अब आप बात यहाँ पे करिए तो बैटरी की बात करते हैं, तो 5000 mAh और 18 वाट का फास्ट टर्बो चार्जर दिया हुआ है। जो बैटरी 5000 mAh, मतलब मार्केट में हर एक कंपनी आजकल यूज करती है, ठीक है। और डिजाइन, अब बात करेंगे कि चाइना चाइना की बात, तो यहाँ पे बता देते हैं डिजाइन जो हुआ है वो USA में हुआ है, और वो भी शिकागो में। इस फोन का जो भी डिजाइन हुआ है, कैमरा पैटर्न और जो भी है, और वो डिजाइनिंग हुई हुई है शिकागो में, और फुल्ली असेंबल्ड असेंबल्ड इन इंडिया, एंड इट्स दिस इज द फोन मैन्युफैक्चर्ड फॉर इंडिया स्पेशली। तो ये इंडिया के लिए फोन है, असेंबल्ड इंडिया में हुई है। और ओ माय गॉड, वन मोर थिंग इज कमिंग इनटू द पिक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड, कौन सा एंड्रॉयड है इसमें भैया? तो इसमें वनीला स्टॉक एंड्रॉयड है, और मोटरोला की यही एक खासियत है, जब भी फोन लॉन्च करती है तो वो पायलटेड या कॉपीड एंड्रॉयड के साथ नहीं, चाहे उसका कोई भी फोन रहे, हमेशा देती है स्टॉक एंड्रॉयड देती है, और इसमें है वनीला स्टॉक एंड्रॉयड। उसके बाद आप बात करेंगे तो कस्टम UI विद इनबिल्ट ऐप, इसमें एक मोटो मोटो केयर करके एक मोटो का एक ऐप है, मैं आपको दिखा रहा हूं। मोटो मोटो यहाँ पे मोटो ऐप है, देख लीजिए, इससे जाके ना आप अपने UI को कस्टम कर सकते हैं। यू वांट, आपको वन बटन नेविगेशन करना है तो ये देखिए अभी मैंने करके रखा है वन बटन नेविगेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे, मतलब देख सकते हैं इस पे आपका मोटो एक्शंस, मतलब कैसे, फिर इसका डिस्प्ले पिक्चर, फिर उसके बाद UI वॉलपेपर स्टाइल, सब कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और उसका मोटोरोला ने इनबिल्ट फीचर दिया है, और इट्स ऐप कॉल्ड मोटो मोटो ऐप करके इसमें दिया हुआ है। उसके बाद बात करें तो ये चल हो गया। उसके बाद मोटरोला ने एक चीज अपने यूजर को बताया है इस फोन के जरिए कि गोइंग फॉरवर्ड, आने के समय हम इसमें एंड्रॉयड 11, जो एंड्रॉयड आर अभी एंड्रॉयड 9, 10, 10, 10 के साथ अभी लॉन्च कर रहा है, एंड्रॉयड 11 मीन्स एंड्रॉयड आर, PQR। सो आर के साथ 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट देने वाला है इसी फोन में आगे चल के, तो 2 साल का फ्री सिक्योरिटी अपडेट दे रहा है एंड्रॉयड आर के साथ, एंड्रॉयड 11 के साथ जो कमिट किया है। फिर सेंसर की बात करें तो सेंसर यहाँ पे आती है फिंगरप्रिंट सेंसर की, और वो फिंगरप्रिंट सेंसर NFC सेंसर है, सो बहुत ही फास्ट है, मैं बता रहा हूँ, मैं यूज किया है, अभी मैंने अनलॉक हटा दिया क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गेम वेम खेलते रहते हैं तो लगाना ठीक नहीं है, तो बहुत ही फास्ट इसका मतलब सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर। और मल्टीमीडिया की अगर बात करें तो भैया ये जो स्पीकर है ना, बहुत ही लाउड एंड क्लियर इसका ऑडियो वीडियो है,
बहुत ही लाउड है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब अगर इस रूम में मैं चला रहा हूँ, कोई दूसरे रूम में अगर देखे तो बोलेगा भैया थोड़ा साउंड कम कर दो, ऐसा है। प्रॉमिस नॉचलेस डिस्प्ले है जिसमें जिसमें आप नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम कोई सा भी वीडियो आप चला के अच्छे से देख सकते हैं टीवी के। मतलब एक बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा स्टैंडर्ड टीवी लेते हैं तो टीवी, तो उसका जो क्वालिटी है सो इसमें मिल जाएगा आपको। और एक और चीज़, 1 TB माइक्रो SD एक्सटर्नल सपोर्ट, आप 1 TB का आप यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ दिया हुआ है मोटोरोला ने। और वाईफाई कॉलिंग है, उसके बाद FM है, उसके बाद आपका जी कैम, गूगल कैम इनेबल्ड है इसमें ऑलरेडी। उसके बाद आपको बता ही चुका नेटफ्लिक्स हॉटस्टार के बारे में। और स्मूथ गेमिंग है, मैं तो पबजी खेलता नहीं हूँ, बट मेरा दोस्त कल ही यही फ़ोन लिया है, मैंने रिकमेंड किया था उसको, तो उसमें बोला कि भाई पबजी का एक्सपीरियंस बहुत ही गर्दा है इस फोन में, मतलब बहुत ही धांसू है। मतलब 6 GB रैम है भाई फोन का, ऐसे मामूली थोड़ी ना फोन है। ठीक, यहाँ पे अगर बात कर, और सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आई एम रियली हैप्पी विद दिस फोन, आई एम रियली हैप्पी विद दिस मोटोरोला प्रोडक्ट। और मोटोरोला इज कमिंग बैक और केम बैक विद दिस फ्यूजन प्लस, सीरियसली। और कैमरा तो भैया सुपर्ब है, सुपर्ब है, मैंने आपको दिखाया था। और कैमरा की बात करें तो इसमें देख लीजिए, प्राइमरी सेंसर है यहाँ पे 64 MP की सेंसर है, सेकेंडरी सेंसर का बात करें तो 8 MP का सेकेंडरी सेंसर है, और उसमें अल्ट्रा वाइड के साथ है, और सेकेंडरी सेंसर 8 MP, और 5 MP की जो कैमरा है वो माइक्रो सेंसर के साथ बनाया है। माइक्रो, आप यू नो द डिफरेंस बिटवीन मिनी माइक्रो एंड ऑल, सो बहुत ही बेहतरीन है। और 2 MP मतलब 2 MP का इसका डीप सेंसर है, कि मतलब कि कोई भी डीप चीज आपको कैप्चर करना है, बहुत ही गहरा, मतलब छोटा से छोटा इमेज को आपको कैप्चर करना है, तो दिस 2 MP विल डेफिनेटली वर्क। सो टोटल 64, 8, 5 एंड 2 MP। और जहां आपको दिखाया है पहले वीडियो में पॉपअप सेल्फी कटआउट के बारे में, ये 16 MP का कैमरा जो ऑसम है, सीरियसली सेल्फी का, जो सेल्फी लवर है उसके लिए मतलब बेहतरीन है 16 MP का। और उसके बाद बता देता हूँ, अब मैं बात करता हूँ प्राइस की, तो भैया ये फोन बिल्कुल ओवर प्राइस नहीं है। बहुत सारे कस्टमर से, बहुत लोगों से सुनने को मिल रहा था कि मोटोरोला आजकल मतलब ओवर प्राइस्ड फोन पे ज्यादा ध्यान दे रही है और बनाती है, तो बिल्कुल नहीं, ये फोन है ये ओवर प्राइस्ड फोन नहीं, मतलब मेरे हिसाब से जबरदस्त फोन है। और इसका इसका जो दाम आपको मैं बताऊं, 17,000 के आसपास है, आप फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हैं, ज्यादा ज्यादा दाम नहीं है, 16,999 इसका कॉस्ट है। और ये आपको मल्टीपल कलर में मिलेंगे। और मैं आपको इसके कैमरा के बारे में आपको बताऊं, तो आपके सामने मैंने ये लिया है सेल्फी कैमरा, और ये देखिए कि किसी और फोन का नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोटोरोला 1 Fusion Plus, और आप ही लोग के सामने क्योंकि यहाँ पे बोर्ड सामने आ रहा है। और उसके बाद ये देखिए इसे बैक कैमरा का देखिए पिक्चर, मतलब यहाँ पे एक मैंने काजू, आप समझते हैं काजू, तो मैंने काजू का एक पिक्चर लिया है, ठीक है, रोस्टेड काजू हमने घर पे फ्राई किया था तो उसका एक पिक्चर लिया। देखिए यहाँ पे आप काजू का पीस गिन सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे किस किस काजू पे कौन कौन सा निशान है, और क्या है, कौन सा काजू डिफेक्टिव है और कौन सा ये है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे मैंने इसका जो वाटरमार्क होता है इसके साथ, तो यहाँ पे लिखा है मोटोरोला 1 Fusion Plus, तो इसके लिए तो ये है भैया फोन, ये मेरा बहुत ही बेहतरीन फोन है 17,000 में। और मैं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस फोन से, और इसका स्पेसिफिकेशन आपके सामने मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। और इससे ज्यादा आई थिंक कोई भी अनबॉक्सिंग करता है, बॉक्सिंग करता है, तो वो इससे ज्यादा तो नहीं दिखा पाएगा। और एक और चीज भैया मैं बता देता हूँ, तो वेनिला स्टॉक एंड्रॉयड, मतलब भैया मेन है, सीरियसली बता रहा हूँ मेन है, किस टाइप का एंड्रॉयड आपका यूज करते हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, इस वीडियो में कोई एडिटिंग और ये सब नहीं है, ठीक है, मैं एक नॉर्मल एंड यूजर हूँ और एंड यूजर की तरह से बनाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गो अहेड।